ये जरा सा जो है एक बड़ी आजकल अभी न्यूज चल रही है पीआईए के हवाले से कि जो है पीआईए को जो है जो गवर्नमेंट ने जो एक अमाउंट दिया है 85 अरब के हवाले से दिया है जो बोली लगाई है, और 5 पार्टियों में से एक पार्टी ने जो है ये समझ लें कि जो बोली उन्होंने लगाई है आई थिंक वो 10 अरब की लगी है अगर जहां तक मैं सही हूँ, और तो और बाकी पार्टीज वगैरह किधर हैं। तो इतना और ये जो गवर्नमेंट ने जो 85 अरब की जो बोली लगाई है तो क्या ये वर्थफुल है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप बताइए हमें क्या ये के हवाले से। नादिया, फ्रॉम द बिगिनिंग माय वर्ड्स वा कि ये ना प्राइवेटाइज होगी और लोग इसमें फंसेंगे। देखो, इट वेंट अप टू 38 रुपीज में बोल रहा था कि इसमें ना इसका प्राइवेटाइज होगा और ना ये कर सकेंगे। देखो ना, लोकल कोई इन्वेस्टर नहीं आया, एक पर्सन भी बाहर वाला इन्वेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि देखो नादिया, पीआईए इज टोटली कंट्रोल्ड बाय माफिया। माफिया मीन्स क्या कि ब्यूरोक्रेसी, आपके जो पीआईए के जो लोग काम करते हैं ना, देखो ना, इवन आर फ्रेंड्स दे आर रिसाइडिंग इन कनाडा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मगर ये क्या करते हैं, ये 15 15 साल हो गए, ये रिटायरमेंट हो चुकी है, मगर जे दे कम फ्रॉम टोरंटो टू कराची और टोरंटो टू लाहौर, इनको 10% में टिकट मिलती है। कितने में? 10% पे 10% में इनको टिकट मिलती है और इनको मेडिकल फ्री अभी भी, एंड दे हैव बीन रिटायर्ड फॉर द 10 इयर्स टू 15 इयर्स, मगर ये दिस इज कंट्रोल्ड बाय सम वेरी फ्यू ताकतवर पीपल। तो ये पीआईए कहाँ से चलेगी, और पीआईए में अभी भी यही हो रहा है। या तो पीआईए मेरे हिसाब से, देखो ना, आप पाकिस्तान के अंदर कोई चीज का वो नहीं है, तो मेरे हिसाब से देखो ना, अगर ये पीआईए शुड बी रन बाय अ बिजनेसमैन, अगर इसमें कोई अच्छा सा, देखो ना, श्रीलंकन एयरलाइन, इस वॉज टोटली कोलेप्स बिफोर 10 इयर्स, ये बिल्कुल बंद हो चुकी थी, अब वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन। आप वो देखे, ये कौन सी है, दुबई की फ्लाइट वगैरह कौन सी ओके, है, फ्लाई दुबई वही जी, जो ये दुबई देखो ना कहाँ से, की देखो ना ये कहाँ से कहाँ पहुंच गई है ये चीजें। मगर पीआईए पीआईए इसलिए नहीं है कि पीआईए में चंद लोगों का कंट्रोल बहुत है। अगर ये देखो, ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि इसका बिजनेस इतना अच्छा है, और अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में आ जाएगी ना, तो ये बहुत ही अच्छी, मैं हकीकत में कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ सकती है पीआईए क्या। मगर ये इनको जो इनके जो वो है ना, इनके जो लोग है ना, पुराने लोग, इनको सबको टर्मिनेट करना पड़ेगा, इनको नए सिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इनका खर्चा इतना अभी भी है कि ये खर्चा पूरा नहीं कर सकते है क्या। बिल्कुल सर, ये भी सुनने को आ रहा है कि हो सकता है पीआईए को जो है एयरफोर्स के जो लोग हैं या एयरफोर्स टेक ओवर कर लेगी, कुछ इस तरह की भी जो है मतलब कि सुनने में आ रहा है। तो इसमें कितना है कि मतलब ऐसा हो सकता है? कौन क्या बोली मैंने? मैंने कहा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे पीआईए को टेक ओवर हो सकता है, एयरफोर्स भी कर ले, एयरफोर्स की तरफ से भी जो है ये खबर आई है। तो इसमें क्या है, कितनी इसमें जो है वो है कि मेरे पास तो कोई न्यूज़ नहीं है, अच्छा मगर ये सुनने में आ रहा है इसलिए। मैं ये कह सकता हूं नादिया कि ये इतनी अच्छी प्रॉफिटेबली में जा सकती है, क्योंकि आप श्रीलंकन एयरलाइन को देख लीजिए कि ये कहां से कहां पहुंच चुकी है। तो पीआईए इज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, इनके पास रूट्स भी अच्छे हैं, तो ये अगर अच्छे हाथों में चली जाएगी ना, और भाई उसमें काम करेंगे ना ईमानदारी से, तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 साल के अंदर ये टर्न राउंड हो जाएगी, कि पीआईए के पास जो रूट्स है ना वो सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इट कैन बी अ डायनेमिक प्रॉफिट कंपनी हो सकती है, मगर इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनकी यूनियन को, इनके सारे सब ताकतवर लोग हैं उनको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चीजें हैं ना, ये कंट्रोल नहीं होती है ना दिया। आप देख लीजिए ना, आप कोई भी चीज देख लीजिए, ये इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय, क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं।
अगर ये करना चाहे ना, डंडा देवे ना, तो पीआईए वन ऑफ द बेस्ट हेल्पलाइन हो सकती है, मगर ये कर नहीं रही है। इसलिए ये नहीं कर रहे हैं कि इनको बेनिफिट बहुत है, क्योंकि इनको इनके इनको टिकटें मिलती है 10% में, इनको टिकटें मिलती है, इनका बेनिफिट बहुत है, इनको मेडिकल फ्री अभी भी मिल रही है, तो ये करना नहीं चाहते हैं।